अस्सलाम वालेकुम डी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सिकंदर अली मिर्ज़ा है और मैं बाय प्रोफेशन एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। डी व्यूवर्स, हम बात करेंगे कि ड्रग इंड्यूस्ड लीवर फेलियर के पेशेंट्स में ऐसे कौन से लैब टेस्ट हैं जिनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और एक डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखकर और आपकी हिस्ट्री देखकर कि आपने कौन सी मेडिसिन बहुत ज़्यादा हाई डोज में यूज़ की, जैसा कि पैरासीटामोल, ये आपको कंफर्म डायग्नोज कर सकता है कि आपको लीवर फेलियर हो रहा है इस ड्रग की वजह से या फिर नहीं हो रहा। तो जो सबसे पहला टेस्ट आता है वो होता है ALT का टेस्ट, जो कि LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर आता है, और जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है AST का टेस्ट। ये दोनों टेस्ट लीवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT के अंदर आते हैं, और इसके अलावा जो टेस्ट आते हैं उसके अंदर बिलीरुबिन का टेस्ट आ जाता है। अगर आपका बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हाई है, आपका ALT लेवल भी हाई है, और अगर आपका AST लेवल भी हाई है, तो इसका मतलब है कि आपको लीवर जो है वो फेलियर की तरफ जा रहा है। वैसे तो इन सब टेस्ट की वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम होती है, यानी ALT की वैल्यू अगर आपकी 40 से अबव आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको लीवर का कोई प्रॉब्लम है। मगर ड्रग इंड्यूस लीवर फेलियर के अंदर ये वैल्यू 1000 यानी थाउजेंड्स के अंदर जा सकती है, और बिलीरुबिन का लेवल भी जो कि नॉर्मल लेस देन 1 mg/dL होता है वो भी बहुत ज़्यादा जा सकता है। और ये सब कंडीशंस और आपके यानी पेशेंट के सिम्टम्स को देखकर डॉक्टर डायग्नोस कंफर्म कर सकता है कि इस पेशेंट को ड्रग इंड्यूस लीवर फेलियर है या नहीं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी इस वीडियो से कोई फ़ायदा पहुंचा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।